अपने फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी पापा सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में होंगे, अपने अपने परिवार का ख्याल रखते होंगे। तो ये बेशरम गुनगुन का भाई, ये अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। यहाँ पे ये ध्रुव के मम्मी पापा को इतना भड़का रहा है, इतना भड़का रहा है कि ध्रुव के पापा ने तो इसके थोड़े से सट्टे बट्टे में आ भी गए और सोच में पड़ गए कि क्या होगा अगर गुनगुन हमारे घर में ऐसा कुछ की। तो ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि गुनगुन का भाई गुनगुन का भला चाहता है या गुनगुन का खराब चाहता है, क्योंकि ऐसे भाई तो बहुत ज़्यादा ही नसीबों से मिलते हैं कि भगवान ऐसा भाई किसी को ही ना दे। और बहुत अच्छा किए समर भाई आपने और राधिका के पापा ने उसको बुला के थ्रेटनिंग दिए हैं कि ऐसा काम ना करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से कर रहा है। उसको अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए। वो जब आपके संग थी तभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था और अब ध्रुव से शादी कर रही है तो उसके पीछे पड़ा हुआ है। मतलब ये गुनगुन के भाई को तुम्हें एक ही सजेशन दूंगी कि भाई प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो अपनी बहन का ये सब लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ो और तुम जाओ जाके थोड़ा मेंटल असाइलम में जाओ, या तो तुम कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलो और अपने थोड़ा सा दिमाग का इलाज कराओ, क्योंकि तुमको इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम दिमागी थोड़े सिक हो, तुम सही इंसान नहीं हो, तुमको नहीं पता तुम अपने इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हो और तुम क्या क्या कर रहे हो। तो इसीलिए अपने आप को ठीक रखने के लिए तुमको बहुत ज़रूरी है कि एक साइकेट्रिस्ट से तुम मिलो। तो यही मैं बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, हद से ज़्यादा वो बिहेवियर अपना ख़राब कर रहा है जो लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है और वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। तो बस आज का ब्लॉग जिसको अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।